ऑप्शंस का यूज कब करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए? क्लास पूरी क्लास में आप लोग एंट्री ले रहे हो, हम पढ़ाएंगे कैसे? एंट्री इन लोगों को, हाँ बेटा, अब हम एंट्री नहीं देंगे फिर आप अब। एंट्री नहीं दो मैं मिलूंगी। हाँ मतलब फर्स्ट क्लास है, आज स्टार्ट किया हुआ है तो दे रहे हैं। ओके क्लास, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हैं उनका यूज कर रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, जब हम प्लान करते हैं कितना हमारे पास मनी होना चाहिए। ऑर्गेनाइज, उसको किस किस जगह खर्च करना है। डायरेक्शंस, कि वो इकट्ठे पूरा तो नहीं खर्च करना है हमें, उसके डायरेक्शन दिए जाते हैं थोड़ा थोड़ा, कितना कितना खर्च करना है, किस किस इवेंट के लिए खर्च करना है। कंट्रोलिंग, ठीक है, ये भी देखना है कि कॉस्ट कंट्रोल भी बना रहे, कि कहीं पर ज्यादा ना खर्च हो जाए, जितनी जरूरत हो इनफ अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड होना चाहिए। ये सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम लोग मैनेजमेंट के प्रोसेसेस के साथ मिलाकर यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है ये गोथमैन और डोगल ने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। इन्होंने यहाँ पे बोला है प्लानिंग, ऑब्वियसली हमें जितना भी अमाउंट चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए। मान लीजिए अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो आपने देख सुना होगा ना, बार बार हम लोग पता चल रहा है कि नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए बेड्स अलॉट किए जा रहे हैं, या नई जगह पर इस तरह का एक सेटअप बनाया जा रहा है। तो हम उसके लिए भी, हमें अमाउंट चाहिए, तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई इतने अमाउंट हमें चाहिए, तब हम 100 बेड्स का एक कोविड सेंटर बना पाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज है, ये तो हमारी प्लानिंग हो गई, कहाँ से अमाउंट आएगा, कितना लगेगा, अलग अलग चीजों में कितना लगेगा। उसके बाद ये रेज करना, वो अमाउंट आएगा कहाँ से, यानी सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से होंगे। तो हमें उनको वो जरिए भी खोजने होंगे जहां से वो हमारे पास इनकम प्रोवाइड हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग। अच्छा, कंट्रोलिंग इसलिए बहुत जरूरी होती है कि वेस्टेज ना हो जाए। मान लीजिए आपने 100 रुपीज कहीं इन्वेस्ट किए, और वो 100 रुपीज आपने बिल्कुल सोर्सफुली अगर नहीं किए हैं इन्वेस्ट, तो क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा। आपके 100 रुपीज इन्वेस्ट भी हो जाएंगे और आपको उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो इसके साथ में क्या होता है, एक सुपरविजन भी होना चाहिए किसी का। यानी कोई एक बंदा जो प्लानिंग की पूरी चीजें जानता हो, देख रहा हो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कहाँ से फंड रेज हो रहा है, उसका सुपरविजन। यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक सेक्शन होना चाहिए जो ये सारी चीजें सुपरवाइज करे। ठीक है, और ऑब्वियसली जब ये चीजें प्रॉपरली होंगी तो हमारा बिजनेस बेटर तरीके से रन करेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, हम लोग जे एफ ब्रैंडली साहब ने बोली है। इन्होंने बोला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू अ ज्यूडिशियस यूज ऑफ कैपिटल एंड अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, इन्होंने देखो दो बेसिक चीजों की बात करी। एक कैपिटल, यानी जब भी हम कोई बिजनेस या कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, तो हम एक कुछ पैसा लगाना पड़ता है हमें बिजनेस को रन कराने के लिए, उसे बोलते हैं कैपिटल, पूंजी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बोली केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ कैपिटल। यानी दूसरी चीज हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी जानना जरूरी है कि हम उस कैपिटल का सोर्स क्या होना चाहिए। मान लीजिए हमने क्या किया है, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास, हम बिजनेस करने के लिए हमारे पास 50,000 रुपीज थे, और हमने बाकी हमने सोचा कि अच्छा 2 लाख से हमें बिजनेस करना है, तो बाकी हमने 1.5 लाख लोन ले लिया है। हमने जो लोन लिया है वो बैंक से नहीं लिया है, हमने क्या किया, अपने किसी मित्र से, ये फ्रेंड से लोन ले लिया, और उसने बहुत हाई परसेंटेज पे और बिना किसी हमें ट्रस्ट के दे दिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यानी हमारा जो सोर्स ऑफ कैपिटल है वो ठीक नहीं है। ठीक, पहली बात तो हमारे पास खुद के जो हमारी पूंजी है वो हमने कम ली हुई है, तो हमारे पास डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई, यानी हम दूसरे पे ज्यादा डिपेंड है। ठीक, और दूसरा जिसपे हम डिपेंड हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, बैंक भी नहीं है जिसपे हम क्लेम कर सके। तो हमको ये बहुत जरूरी होता है कि हमारा जहां से कैपिटल आ रहा है वो कैपिटल का सोर्स भी ठीक होना चाहिए।
ताकि हमें आगे प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू इनेबल अ स्पेंडिंग यूनिट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग द गोल. फिर उसके बाद स्पेंडिंग यूनिट का मतलब हो गया कि वो जो आपने अमाउंट, जो आपने पूंजी लाए हैं, आपने जमा करी है, वो आप कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं. अगर आपने गलत जगह स्पेंड कर, मान लीजिए आपकी कोई नई कंपनी है और आपने क्या किया, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया, तो क्या है अभी आप स्टेबल नहीं हुए, अभी आपने स्टार्ट किया है जस्ट, और अगर आपने स्टार्टिंग में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना सारा अमाउंट खर्च कर दिया, तो आपको रिफंड तो आया ही नहीं कहीं से, आपके द्वारा ना सेल हुई, ना कहीं से आपको कुछ रिसीव हुआ, और आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा खर्च हो गया. तो पहले हमें स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कैपिटल है हम उसको कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे. ओके क्लास, तो ऑब्वियसली गुडमैन और ब्रैंडली साहब के में दोनों में डिफरेंस था. उन्होंने कुछ फंक्शंस की बात करी थी, रेजिंग कंट्रोलिंग वाली, और इन्होंने इसमें ये बात इम्पोर्टेंट बोली कि कैपिटल कहाँ से लानी है और कितनी कैपिटल लगानी है. ठीक है, इसके बाद मैसी साहब ने भी बोला हुआ है, इन्होंने बोला, इनकी तो काफी छोटी सी है, याद भी हो जाएगी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस. इनकी सिंपल है, जैसा हम लोग समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑब्वियसली, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फंड रेज कर रहे हो और छोटे छोटे काम कर रहे हो स्टेप वाइज, ठीक है, और इन फंड्स को हम क्या कहते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, और अगर हम इनका बेटर मैनेजमेंट करते हैं तभी हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल जो हमारा एस्पेक्ट है उसको हम बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे. ओके, फिर नेक्स्ट आगे दिया है, आपने देख रहा होगा इसमें स्कोप और स्लैश एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा हुआ है. वैसे जनरली किसी भी चीज का स्कोप और एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं. जैसे स्कोप समझते हैं क्लास, स्कोप का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी इवेंट अगर हो रहा हो तो उसका स्कोप क्या है, उसका यूज क्या है, फ्यूचर में हम वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं. फाइन, यस मैम. यहाँ ओके, यहाँ पे क्या होता है, स्कोप और एलिमेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सेम ही है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट है, तीन पार्ट है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, हम लोग इसमें एक छोटा सा डायग्राम दिया इसका, ये रहा, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये तीन, तो बेसिकली है क्या, ये तीनों मिलके फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनते हैं, तो ये तीनों एलिमेंट्स हो गए, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप भी यही तीनों है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल डिसीजंस हम लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लेते हैं, और उसके आगे हम डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, तो ये इसके पार्ट भी है तीनों, और यहीं तक इनका स्कोप भी है, ठीक है, हालांकि इनके अंदर और बहुत सब पार्ट्स हैं, लेकिन अभी हम लोग ये तीन जो बेसिक इनके एलिमेंट्स और स्कोप हैं इनकी बात करते हैं. सबसे पहला दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको अपना पैसा किसी प्रॉपर यूनिट में, स्पेंडिंग यूनिट में खर्च करना है, ठीक है. अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पहले एक नोकिया करके, नोकिया के फोन आते थे, अब बहुत ट्रस्ट कर दी थे लोग, बहुत सोच समझ के लेते थे कि हाँ भाई नोकिया का फोन जरूर होना चाहिए और नोकिया में हम इन्वेस्ट करेंगे. लेकिन आज के टाइम में अगर आपसे बोला जाए कि आप नोकिया का फोन लो, इन्वेस्ट करो, क्या आप लोगे वो डिसीजन? अभी हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी सैमसंग, ओप्पो और रियलमी, इनके ज्यादा जो फोन्स आ रहे हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, बहुत मेगापिक्सल का कैमरा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, सिचुएशन पे बेस होता है, ये किसका किसका ओपन है माइक, वो म्यूट कर लो. ओके ओके थैंक यू. तो ये क्लियर हुआ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें ये सोच समझ के हम इन्वेस्ट करते हैं. सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो ठीक जगह इन्वेस्ट करती हैं.
मान लीजिए अगर नोकिया ने उस टाइम पे बहुत बड़ा प्लांट में अगर इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक उन्हें लॉस हो गया होता बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अगर सैमसंग और ये सब मार्केट में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, तो अगर अब सैमसंग एक बहुत बड़ा सा अपना प्लांट खरीदेगा या बहुत अच्छी अगर कॉन्फ़िगरेशंस खरीदेगा या पेटेंट अगर एप्पल से खरीदेगा, तो और ये सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होंगे सैमसंग के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इवन ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक एग्जांपल आप ये भी देख लो, आपने क्या किया है, आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना इसमें, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज थी, आपने कुछ सोचा होगा तब आपने बीबीए किया। बहुत सारे लोगों ने इंटर आर्ट साइड से साइंस साइड से किया होगा और उन्होंने सोचा होगा कि हाँ हमें बीबीए में जाना है, तो कहीं ना कहीं आपने बीबीए के कोर्स में इन्वेस्ट किया है फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड पे, सेकेंड दिया है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस अब क्योंकि इसमें बहुत सबसे पहले लिखा फाइनेंस, तो फाइनेंशियल डिसीजंस में सारे हो गए, यानी ये सारे हो गए जो मनी के इर्द गिर्द हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे अभी जो नई कोई कार की कंपनी अगर इंडिया में आती है तो इंडिया में अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत हाई है, ओके। तो वो अगर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां लेकर आएगी और बहुत कॉस्टली गाड़ियां लेकर आएगी, क्योंकि अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑब्वियसली लोग इतना नहीं इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो हम अगर फाइनेंशियल एक कार की बनाने वाली कंपनी अगर फाइनेंशियल डिसीजन ले रही है, ठीक है, तो वो सबसे पहले ये लेगी कि हम कौन से सेक्शन की कार्स बनाए तो हम उसमें इन्वेस्ट करें, हम उसके लिए फाइनेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर क्या है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि हम कब वो पैसा उसमें लगाएं, ठीक, जब हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी होती है, ये क्या करती है ये अपना जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेती हैं ये गर्मियां जब शुरू होती है उससे पहले ले लेती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि गर्मियों में तो इनकी सेल बढ़ जाएगी, तो इन्हें इनका जो पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग होगा वो गर्मियों से पहले होगा, यानी बिफोर समर्स होगा। ये तब से क्या होता है प्रोडक्शन यूनिट एडवर्टीजमेंट्स ये तब से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इनका पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग बिफोर समर्स होगा, इसी तरह सभी का होता है अलग अलग। जैसे हम लोग अपने इंडिया में फेस्टिवल सीजन बहुत ज्यादा चलता है, तो हमारे यहाँ दीपावली से पहले लोग सब गाड़ियां खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं हम लोग दीपावली से पहले, ठीक है। तो हमारे लिए तो किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिसीजन का वो पीरियड होगा कि वो तब डिसीजंस लेंगे, ठीक। उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड द रिटर्न्स, ठीक। अब हम ये बहुत जरूरी होता है कि अगर हमने किसी भी इवेंट में 100 रुपीज लगाए हैं, किसी भी चीज में अगर हम लोगों ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, हम हमेशा चाहेंगे कि हमें 110 वापस मिले, ज्यादा वापस मिले। कोई नहीं चाहेगा कि हमने 100 रुपीज लगाए तो हमें 99 रिटर्न आए, तो हमें तो लॉस हो गया। तो एटलीस्ट, और जब हम लोग बोलते हैं कि ब्रेक इवन सिचुएशन होती है जब हमें 100 रुपीज लगाते हैं और 100 हमें वापस हो गए, लेकिन हम क्योंकि टाइम के साथ हमें उस मनी को जो हमने इन्वेस्ट किया उसकी भी तो वैल्यूएशन डाउन हो जाती है, तो हमें कुछ तो एडिशनल मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ये सब आ गए कि सोर्सेस क्या है और टाइम पीरियड क्या है हमारे जो भी फाइनेंसिंग है, और जो हमने कॉस्ट लगाई है फाइनेंस को एक्वायर करने में उनसे हमें रिटर्न्स भी चाहिए, ठीक। थर्ड दिया हुआ है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। डिविडेंड्स क्या होता है कोई बताएगा, क्लास कोई डिविडेंड बताएगा डिविडेंड क्या होता है, एनीवन? मैम शेयर्स पे जो मिल एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने सुनी होंगी कि कोई भी कंपनी क्या करती है, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करती है या डिबेंचर्स में, जिसको हम लोग डेट्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी या तो शेयर्स में इन्वेस्ट करती है डिबेंचर्स में। अब शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स में क्या होता है जब हम इशू करते हैं, शेयर्स वैसे तो एक पेपर फॉर्मेट में होता है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 2% 3% जितना भी आपने परसेंट के अपने शेयर्स इशू किए हैं, उसने परसेंट की उस कंपनी में उस पर्सन की हिस्सेदारी हो जाती है, पार्ट हो जाता है, ठीक है।
अब क्या होता है, जब हम उस कंपनी का पार्ट हो गए तो उस कंपनी का लॉस हमारा लॉस, उस कंपनी का फायदा हमारा फायदा। तो यानी अगर उस कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, तो उस प्रॉफिट्स में से वो कंपनी जिन्होंने शेयर्स लिए होते हैं उन्हें कुछ पार्ट देती है, कुछ पेमेंट करती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स इज जस्ट लाइक प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज भी हम बता देते हैं। दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, अब अगर कंपनियां सबको अपनी उसी कंपनी की हिस्सेदारी अगर बांटने लगेंगी तो एक टाइम ये आएगा भाई कंपनी की पूरी ओनरशिप दूसरे के पास चली जाएगी। तो कंपनी ऐसा नहीं चाहती, कंपनी हिस्सेदारी ज्यादा नहीं देना चाहती, ताकि ओनरशिप, डिसीजन पावर, मैनेजमेंट के हाथ में सारी चीजें रहे। ठीक। तो वो एक उसका दूसरा ऑप्शन लाती है। ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन बोलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो लोगों से छोटा छोटा लोन ले लेते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, इसी वो डिबेंचर्स इशू करते हैं और बोलते हैं कि भाई आप, हम आपसे लोन ले रहे हैं इतने इतने का। ठीक है। तो वो छोटे छोटे इशू करते हैं लोन्स। अब होता क्या है कि डिविडेंड तो प्रॉफिट का पार्ट है, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो डिविडेंड देगी। लेकिन जिनको डिबेंचर्स मिलते हैं, क्योंकि वो लोन होता है तो लोन पे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यानी कंपनी की ये बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाती है कि कंपनी को इंटरेस्ट देना ही होता है। यानी उससे कोई मतलब नहीं कि कंपनी को फायदा हो रहा है या कंपनी को नुकसान हो रहा है, कंपनी को देना ही पड़ता है इंटरेस्ट। ठीक है। इसीलिए हर कंपनी ये चाहती है कि, कोशिश ये करती है कि कम से कम वो डिबेंचर्स इशू करे, ताकि उनके लोन्स ज्यादा ना होने पाए, और वो कोशिश करती है कि शेयर्स भी ज्यादा ना हो। तो इनमें एक बैलेंस भी बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे और बी पॉइंट दिए हुए हैं, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स, रिटेन्ड प्रॉफिट। अब रिटेन्ड प्रॉफिट क्या होता है, जो डिविडेंड इशू करने के बाद भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ और अपने प्लान्स को सोचते हुए हम अपना प्रॉफिट कुछ बचा लेते हैं। सो मम्मी लोग करती है ना, उन्हें मालूम है अगले साल अरे भाई हमारे रिलेशन में शादी है, तो मम्मी लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैसा बचा लेते हैं कि भाई अगले साल शादी है, एकदम से हमारे ऊपर बहुत बड़ा पैसे का क्राइसिस ना आ जाए, इसलिए हमें क्या करना है, हम बचा के रखना है। कंपनीज भी यही करती हैं, उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट, हम लोग उसको रोक लेते हैं। फ्यूचर में अगर हमें कोई नई कंपनी डालनी है, कोई सिस्टर का कंसर्न डालना है, तो हम अपना कुछ प्रॉफिट सेव करके रखते हैं। ओके। तो ये क्लियर है क्लास, तीनों यस मैम। तरह ओ स्कोप्स। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैम ऑब्जेक्ट। हाँ यस। मैम फाइनेंशियल डिसीजन और वो डिविडेंड हाँ डिवीजन हाँ तो एक ही फॉर्म हो जाएगा एक तरीके से। हम बताते हैं। देखो, डिविडेंड स्पेसिफिकली बोला गया है डिविडेंड के लिए डिसीजन से, यानी हर साल हम अपने शेयर होल्डर्स को, जरूरी नहीं कि हम अपने प्रॉफिट का पार्ट हर साल दें, तो इस पे भी हम कंपनीज क्या करती हैं, डिसीजन लेती हैं। यानी हर बार जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड ऑफर करें सबको, हो सकता हो कभी वो नहीं भी ऑफर करें और कभी सिर्फ वो अपना प्रॉफिट बचा के रख लें फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन तो कंपलसरी है, जो ऊपर दिया हुआ है ना, सेकंड वाला आप बोल रहे हो फाइनेंशियल डिसीजन, ये तो कंपलसरी है, ये तो मतलब हर साल करने ही करने हैं। ठीक है। हमें सोर्सेज नए नए, और हर बार क्या होता है, एक सोर्स पे हमें नहीं रहना है। जैसे हर बार क्या होता है, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमने अपना एक दोस्त है, हम उसी से पैसे ले लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके उस दोस्त के पास भी ना हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा नए नए जो फाइनेंस के सोर्सेज, उनको तलाशते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इस बार यहाँ से हो गया, इस बार हमें यहाँ से फाइनेंस मिल गया, अगली बार हम कहाँ से लेंगे, या इन इनसे हमने लिया है, हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो अगली बार हम इसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है। तो ये तो हमें कंपल्सरीली हर बार करने हैं। ठीक है। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट और उसका रिटर्न, कितना कॉस्ट हो लग रही है हमारी और कितना हमारे पास रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन डिविडेंड सीजन में ये होता है, हमें सोचना पड़ता है कि हम हर बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देते हैं। ठीक है। या हर बार उतना नहीं देते हैं, मान लीजिए हम कम भी तो दे सकते हैं। हमने हमने जैसे इस बार क्या हो रहा है, इस बार कंपनियों के पास है ही नहीं प्रॉफिट, में प्रॉफिट हो ही नहीं रही है, कंपनियां क्या कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है, तो ऑब्वियसली वो डिविडेंड नहीं दे रही होंगी। ठीक है।
क्लियर है क्लास? यस मैम। ओके लेस यहाँ पे आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्या होता है, जैसे हर चीज का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास फाइनेंस रेगुलर आता रहे और एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इनफ, जितना हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए नीडेड हो उतना आता रहे। मान लीजिए हम सब लोग अभी कानपुर में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कानपुर में एडिक्वेट सारी चीजें प्रॉपरली काम करती रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, वाटर, सारी चीजें प्रॉपर काम करती रहे, तो क्या होगा, कानपुर के लिए भी जो एक फंड अलॉट होता है वो रेगुलर होना चाहिए। अगर कहीं पर वो लैक हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है ये हमें नहीं मिल पाएंगी। इसी तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है। ये अब कौन आ रहा है, हर्ष सैनी? ये कहां से भूले से आ गए हर्ष? ग्रुप में ऐड नहीं था तो उसके पास लिंक नहीं था। ओके 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 हाँ, तो ये बताएं, ये चीज ध्यान दे दिया करो क्लास, अगर किसी के पास मान लो कोई ग्रुप में नहीं ऐड है तो आप लोग सेंड कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि देखो अगर किसी और सेक्शन के पास चला जाएगा वो इश्यू नहीं है, बस अदर देन अपने कॉलेज के किसी स्टूडेंट्स के पास नहीं जाए, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास में बहुत ज्यादा हासिल हो गया था, पता नहीं कौन था वो बार बार नाम चेंज करके एंट्री कर रहा था। वही होता है ना, एक बार हमने अगर अलाउ कर दिया तो फिर वो री एंट्री तो अपने आप से हो जाती है। ओके क्लास, हाँ, फर्स्ट था टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न। कंसर्न मीन्स कोई भी अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट, कंपनी, ठीक। नेक्स्ट है टू एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग। अब दूसरी चीज है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसको प्रॉपर अर्निंग्स होती रहे, हर बार उनको प्रॉफिट्स अर्न होते रहे। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उनके शेयर्स परचेज कर रखे हैं उनको भी तो रिटर्न मिले। वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनको प्रॉपर रिटर्न्स मिलते रहे और ज्यादा से ज्यादा। जैसे एक बार सत्यम एंड सत्यम करके आईटी कंपनी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलत बैलेंस शीट दिखाई, ठीक है? उन्होंने बोला कि हमारे पास प्रोग्रेसिव बहुत एसेट्स हमारे पास हो जा रही है और हमारी कंपनी बहुत अच्छी रन कर रही है, हमारे पास खूब सारे एसेट्स है, ठीक है? तो लोगों ने उनमें बहुत ट्रस्ट दिखाया और लोगों ने बहुत ज्यादा उनमें इन्वेस्ट किया। फिर बाद में पता चला, ऑडिटिंग हुई, जब ऑडिट होती है कंपनीज की, ठीक है, उसमें पता ये चला कि भाई अरे इनके पास तो इतनी एसेट्स है ही नहीं, तब उनको ये पता चला, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, शेयर होल्डर्स बहुत नाराज हुए कि भाई हमने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आप फेक चीजें दिखा रहे हो, ठीक। तो ये कंपनी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके ऊपर नहीं तो पेनल्टी लगती है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखें, ठीक है? थर्ड पॉइंट ये है टू एंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन। ये जो हम लोग बार बार बात करें ना, ऑप्टिमम, इनफ, एडिक्वेट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी फंड्स हैं वो मैक्सिमम नहीं, अगर एक ही बार में आपको बहुत सारे फंड्स, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज है और हमको जरूरी नहीं कि हमें वो 100 रुपीज इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़े, लेकिन हमने तब भी 100 कर दिए, तो ये गलत है, ठीक है? आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो 100 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने की नीड है या नहीं है। अगर 50 में भी काम चल रहा होगा तो आप कोशिश करो कि 50 इन्वेस्ट करो, 50 फ्यूचर के लिए बचा के रखो, ठीक है? तो ऑप्टिमम होना चाहिए, मिनिमम भी नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो काम है, जो फ्लो है वर्क का, वो रुक ना जाए, ठीक है? उसके बाद वंस द फंड्स आर प्रोक्योर्ड दे शुड बी यूटिलाइज इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट, यानी कम से कम हमारी कॉस्ट लगे और हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोविड के टाइम में क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम चीजों का जो हमारे पास रिसोर्स है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि चीजें वर्क रुके ना, ठीक है? उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है टू एंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर्स सो दैट एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव्ड। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है,
होता क्या है कि हर कंपनी में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कंपनियां भी इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां भी दूसरे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सचेंज जो अमाउंट होते हैं डॉलर्स में इन्वेस्ट करती हैं या ऐसी सब चीजों में इन्वेस्ट करती हैं। तो लेकिन जब ये कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से भी क्या होता है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, तो हम हमेशा ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां से रिटर्न्स रेगुलर मिले, ठीक है। तो कंपनियां भी ये ध्यान रखती हैं कि हमारा जहां जहां हम इन्वेस्ट करें, ठीक है, वो पैसा हम जहां भी इन्वेस्ट करें, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे जो टाटा कंपनी है, आपने देखा होगा टाटा की तो लगभग सारी चीजें आती हैं इस टाइम पे टाटा, ठीक है। तो टाटा कंपनी क्या करती है, जो छोटे छोटे आपने देखा होगा ना, जैसे जोमेटो हो गए, इस तरह के जो छोटे छोटे जो सर्विस इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं, इनमें इन्वेस्ट करती है। बायजूस हो गया, बायजूस में इन्वेस्ट किया हुआ है टाटा ने, उसमें तो और भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है ना, जब उनको ऐसे कोई वेंचर्स मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके वेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल कैसे हो जाता है, टाटा के पास पैसा होता है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो जो ये जो छोटी स्टार्टअप्स होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, इनके पास क्या होता है, अमाउंट नहीं होता है, पूंजी नहीं होती है, तो ये चाहते हैं कि कोई हमें स्पॉन्सर कर दे या कोई हमें फंडिंग कर दे, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये बहुत ये भी रिस्क वर्दी होता है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने बायजूस में किया हुआ है और जो अनअकैडमी करके है उसमें किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब में नहीं किया हुआ है, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो काफी सारी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, आगे आपके यूनिट्स में कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा अलग से हम लोग पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि बेस, यानी कि बिल्डिंग, यानी कि बीम्स, छत, ये सारी चीजें, ठीक है। अब क्या यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल के स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हमें पता होना चाहिए हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, और हम कितना अमाउंट फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक अच्छे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि क्योंकि हर बार हम लोग जानते हैं कि हमने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, जरूरी नहीं हर जगह से हमें रिटर्न से मिले, कहीं लॉस भी तो हो सकता है। तो क्या उस लॉसेस के लिए हमने तैयारी करके रखी है, नहीं करके रखी है, तो हमारी साउंड कैपिटल कैसे बनेगी, नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमें क्या करना होता है, कुछ फ्यूचर के लिए भी प्लान करना होता है। तो ये सारी चीजों को जब हम बेटर तरीके से कहते हैं ना, ये इसी लाइन में लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, देयर शुड, यहाँ से पढ़ते हैं, देयर शुड बी साउंड एंड फेयर कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ठीक है, यानी कॉम्पोजिट पार्ट होना चाहिए, यानी मिक्सचर होना चाहिए ऑफ कैपिटल, सो दैट अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट इक्विटी की अभी हमने आपको बताया था ना कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो पूरी तरीके से ये एश्योर करती हैं कि हमारी जो भी अर्निंग्स हो, ठीक है, या हम जो भी शेयर्स इशू करें वो ज्यादा ना कर दें, या हम अपनी अर्निंग्स जो है वो ज्यादा डिविडेंड के रूप में ना बांटना शुरू कर दें, कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें, और इनमें एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और डिवेंचर्स, अगर हमने डिवेंचर्स बहुत ज्यादा इशू कर दिए, क्योंकि डिवेंचर्स क्या होते हैं, लोन होते हैं, और हम लोगों से बहुत ज्यादा अगर लोन ले लेंगे तो हमें इंटरेस्ट तो कंपल्सरीली देना पड़ेगा, भले ही में प्रॉफिट हो रहा हो ना हो रहा हो, ठीक है। तो हमें इसमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है क्लास। तो यस मैम, क्लास, हाँ, अगर इसमें पीछे से हम लोग फिर से देख रहे हैं, पीछे से जितनी चीजें हैं इनमें से देखिए कोई चीज अगर ना क्लियर हो रही हो तो हम आपको फिर से बता दें। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, हम लोग इतना ही रखते हैं फर्स्ट क्लास में। क्लास आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना हो। समझ आ रहा है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक यस मैम, है। ये टफ नहीं है, लेकिन बस ये है ना कि ये सब चीजें ऐसे टर्म्स हैं, देख के थोड़ा डर लगता है कि अरे ये क्या है, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम लोग बहुत स्लोली स्लोली बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और जब ही हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको ये जो नोट्स है ना, ये पूरे फर्स्ट यूनिट के, हम आपको ये पूरे सेंड कर देंगे। यस मैम, ओके मैम, ओके।
यस मैम, किसी को कुछ पूछना है जो हम लोगों ने जितना पढ़ा है स्कोप और ये जितनी भी चीजें हैं इनमें से, कुछ भी जो क्लियर ना हुआ हो, कोई डाउट आ रहा हो। हो सकते हैं क्लास। अच्छा क्लास, सब लोग अपनी चैट बॉक्स में सब लोग अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए। अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है 27 लोगों की, ठीक है? तो आप अपनी अटेंडेंस अभी उसमें मेंशन कर दीजिए। यस दीप्ति, अच्छा ये अटेंडेंस दे रहे हो हैंड रेज करके। क्लास अपना नाम मेंशन करो बस। हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप लोग हैंड रेज कर रहे हो क्वेश्चंस अब पूछने के लिए। मैम आपको व्हाट्सएप लिस्ट कर दें? हाँ बेटा प्लीज प्लीज, मैम पर अपडेट लिस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास ज्यादातर बच्चों के नाम तो आ जाएंगे ना।